हाय गाइस, दिस इज़ सचिन एंड यू वॉचिंग एम्पलीफायर कनेक्शन। सो गाइस, मेरे पास एक सवाल बार बार आ रहा था कि भाई जो 5200 आपने मॉडिफाई किया था, 3055 को 5200 में मॉडिफाई किया था, तो उसके अंदर आप 3030 का ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, तो आपने जो कैपेसिटर है वो कौन से लगाए हैं, चेंज किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मर 24 वोल्ट से ज़्यादा या 24 वोल्ट का यूज कर रहे हैं आफ्टर मॉडिफाई, 3055 को अगर मॉडिफाई करते हैं 5200 के अंदर, तो अगर आप 24024 या 30030 यूज कर रहे हैं तो आपको कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इसके अंदर 35 वोल्ट का है, ठीक है, 35 वोल्ट 2200 UF का है, ठीक है। तो अगर आप 24024 30030 या फिर उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको इसके अंदर 50 वोल्ट से ज़्यादा 10000 UF का जो ट्रांजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, वो लगा देने हैं, ठीक है। अगर आप 12012 और 18018 20020 यूज कर रहे हैं तो आपको कैपेसिटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात साउंड की, अगर आप 12012 18018 यूज कर रहे हैं मॉडिफाई करने के बाद भी 5200 के अंदर, ठीक है, 5200 के अंदर मॉडिफाई कर लिया मान लो आपने, तो आप फिर भी उसके अंदर 12012 18018 यूज कर रहे हैं तो साउंड क्वालिटी होगी जो वो 3055 के बराबर ही देगा, ठीक है। बस थोड़ा सा बेस में फ़र्क पड़ेगा, बेस अच्छी देगा आपको 5200। और अगर आप 24024 30030 यूज करेंगे तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हमारी 3055 का बोर्ड होता है उसके जो ट्रांजिस्टर वायरिंग होती है वो बताने वाला हूँ। और एक प्रॉब्लम और आ रही है 3055 के अंदर कि जो हमारी वॉल्यूम होती है वो दोनों साइड से इस साइड करते हैं, जैसे कि ये अगर हम इसको इस साइड करेंगे तो भी ये कम हो जाती है, और इस साइड करेंगे तो भी कम हो जाती है, जो बीच में करेंगे तो एक जैसी रहती है। तो ये कई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हमिंग प्रॉब्लम है वो भी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटली वायरिंग मैंने एक पार्ट पहले भी बनाया था और एक पार्ट मैं अब बनाऊंगा, तो वो कनेक्शन मैंने जो प्लेट के हिसाब से दिए थे उन्हें उस हिसाब से किए थे, लेकिन मैं अब की बार अपने हिसाब से कनेक्शन करके वीडियो बनाने वाला हूँ 3055 की। और जो ट्रांजिस्टर वायरिंग है 3055 की वो तो मैं बताने ही बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।